हे फ्रेंड्स, सो आज हम गए हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नेशनल म्यूजियम। सो आप भी घूमिए और एंजॉय कीजिए, पूरे व्लॉग को एंड तक देखिए। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल अच्छे हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत सिद्दीकी फैमिली व्लॉग्स में। और रात के बज रहे हैं 12:15 और हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं आपको खुद दिखाती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, आम और ये यहाँ पर जो डाइट का जो पैकेट आता है वो और ये है जलेबी। तो रात के 12:15 हो रहे हैं और हम लोग देखिए ये ड्रामा करते हैं रोज़ाना। और ये लास्ट सीजन का आम चल रहा है, तो ये भी बाजी के यहाँ पे थे, मैंने बाजी के यहाँ से मंगवाए हैं क्योंकि बाजी के यहाँ पे लास्ट सीजन जो होता है पूरा एंड वहीं पे खाया जाता है। और हमारे यहाँ पे तो आने भी कब से बंद हो गए हैं, तो बस ये बाजी के यहाँ से मैंने मंगवाया, मेरा मन किया था खाने का। और ये जलेबी ये खाएंगे, वैसे मैं तो नहीं खाऊंगी क्योंकि मैं तो अपने वज़न को घटाने में लगी पड़ी हूँ, थोड़ा सा वज़न मेरा बढ़ गया है। बाकी अनुषा तैयार तो बैठी है खाने के लिए जलेबी। हेलो फ्रेंड्स, कल आ जा और आयदा जलेबी छिलका आम का और आलिया तुम क्या खाओगी? डाइट खाओगी? डाइट। तो फ्रेंड्स, हमने सभी जो आइटम था हमारे पास हमने बिल्कुल फिनिश कर लिया है और अब हम थोड़ा सा ऐसे घूम घूम कर थोड़ा सा टहलेंगे। टहलने के बाद हम लोग सो जाएंगे, तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह इन द मॉर्निंग मॉर्निंग वॉक पर। फ्रेंड्स देखिए, हमारा गेट अच्छा खासा, हम सो गए थे और हमारा गेट ये बंद था और फिर अपने आप खुला और फिर दोबारा बंद हुआ और फिर खुल गया। और डर लग रहा है यहाँ पे बहुत ज्यादा, ये फोन चला रही है। और आलिया कहते हैं कहाँ है, कहाँ आ गई आलिया? हेलो बहन, आलिया कहाँ है, रुसा कहाँ है? ये अपनी जगह छोड़ के भाग गई बेड पर। मैं बोल रही हूँ जाओ गेट तो खोल बंद कर लो, डर लग रहा है। भूत है क्या बात? पता नहीं है रुसा, बुशा जा गेट बंद कर, जा ना। मैं तो अपनी पोस्ट कर रही हूँ शायद। मैं डर लग रहा है, बाजू कैसे आएंगे? तो मम्मा गेट निकल दो, अभी पर मुंह पर मुंह देखो पेपर। चलो जाओ अपनी सीट पे जाओ। मम्मा सोए नीचे, चिल्लाने का आदर किस किस ने सुनी? तो फ्रेंड्स ही देखो, दोबारा बंद हो चुका था और अभी खुलना चाहिए। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम दोनों को जाओ अपनी जगह पर सो जाओ। क्या हुआ बोल? क्या है जाना कि चिल्ला रही हो? डर लग रहा है, डर लग रहा है कोई भूत है मेरे घर में। आलिया कैसे सोएंगे? आज अच्छे ओपी के पीछे घुसेंगे। चलो इधर लेट जाओ। नहीं नहीं आ रहा पीछे, अच्छी में ओपी डर डर लग रहा। लाइट खोल दो, मुझे लाइट तो खोल दो।
चलो सुनो आप दोनों जाओ, जल्दी लेट जाओ, फिर चलो सुनो सुबह उठना भी ना नमाज के लिए, वॉक पे भी जाना है सुबह को। चलो जाओ जल्दी दोनों, चलो तो गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। ये तो अभिषेक साथ में प्रैंक बन गया। इतनी छोटी देख, उस बेड के साइड में खींच भी सकता हूँ। छोटी भी खींच सकती है, छोटी भी खींच सकती है। दरवाजे के पीछे खड़ा हुआ है भूत। मैं पूरा मुंह कब का पाला। चलो जाओ नीचे जाओ, अभी तुम देखो तुम्हारा क्या है कब पाया। जाएगा मत करना, ऐसा ऐसा मत करो, मैं कुछ नहीं करती। देखो आयुषा ने ये नेल्स लगाए हैं, नेल्स एक्सटेंशन कराए हैं। 1000 के रिजल्ट करवाने आ रहा है हमारे। हाँ देखो अच्छे लग रहे हैं। ये तो ये कैसा हो गया, ये उठ गया, ये इसको ज़्यादा ग्लो कर देगा। अच्छा ये दिखा, ये वाला अच्छा लग रहा है, बढ़िया। तुम्हें पसंद है, आलिया तुम भी दिखाओ अपने, आलिया के लिए भी कराया। फ्रेंड्स आलिया तुम्हें भी अच्छे लगते हैं। फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, बस और सुबह हो गई है, नाश्ता कर लिया है और नाश्ता कर थोड़ा बहुत जो साफ सफाई का काम होता है वो भी कंप्लीट कर लिया है। और बस तो मैं अब आपको बता देती हूँ कि मैं आज जा रही हूँ अपने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, क्योंकि वहाँ पर कुछ काम था, कुछ फॉर्म वगैरह लेकर मतलब जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो लेकर आने हैं वहाँ से। तो वो पहले भी हम लोग गए थे वहाँ पे, तो उस टाइम पर भी वो काम नहीं हो पाया था, तो आज ट्राई करते हैं कि आज शायद हो जाए काम हो। तो बस मोनिका मुझे कश्मीरी गेट पर मिलेगी और मैं जा रही हूँ तैयार होने के लिए, तो मिलते हैं आपसे। सो फ्रेंड्स आई एम रेडी टू गो, और बस अभी मोनिका का फ़ोन आया था, वो कश्मीरी गेट पहुँच रही है और यहाँ से मैं निकल रही हूँ, तो बस मिलते हैं अभी ऑन द वे आपसे। मैं वेट कर रही हूँ मोनिका का जो अब तक आई नहीं है। सो बाबू आई एम वेटिंग, आप जल्दी से आ जाओ। सो आ गई है बाबू। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्या हुआ तुम्हारे साथ में? मेरे साथ दुख दे रहा है मुझे, लेकिन इससे ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपनी कोविड रिपोर्ट उन्हें दिखा देती, मैंने कहा मुझे कोविड हो रहा है आपने चेक किया नीचे। चलो आ जाओ बस। देखो तो पूरी ड्रेस दिखाती हूँ, वो जो वो स्कर्ट है वो जो मेरे पास रखी हुई है, हाँ सेम ऐसे ही तो प्रिंट है वो, बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। मुझे जाना है जेल। जेल जाना है मुझे। हाँ लेकिन 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 चालान नहीं दूंगी, ठीक है? बाहर जाना है, ऊपर ऊपर से, ऊपर से जाओगे आप? हाँ लिफ्ट है इस साइड, इस साइड है लिफ्ट, इस साइड। हमारी बाबू भी हेल्प कर रही है आंटी की लिफ्ट तक पहुंचाने में।
आंटी को डर लगता है एस्केलेटर से। फ्रेंड्स अभी आपने देखा कि हमने एक आंटी की हम हेल्प करना चाह रहे थे और मेरे बाबू ये ज़्यादा हेल्प करने वाली है, तो हमने हेल्प करने की कोशिश की और हमें पता नहीं था कि वो एस्केलेटर यूज़ नहीं करती, उनको डर लगता है उससे, लेकिन वो लिफ्ट की तलाश में थी और मैं उनको गलती से एस्केलेटर के पास ले गई और वहाँ पर जाके बाबू ने बोला, बाबू ने बोला लिफ्ट कहाँ है लिफ्ट कहाँ है, तो हमने फिर वापस लेके गए वहाँ पर लिफ्ट के लिए, तो उनको गुस्सा आ गया और वो ऐसे भागी जैसे डकैती करने जा रहे हो। इतना गंदा रिएक्शन था उनका, मतलब एक तो हम इतनी पब्लिक में उनकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग पता नहीं ऐसे क्यों होते, इतना अजीब एरोगेंट बिहेव किया उन्होंने कि तुम जाओ मैं खुद दिल पे नहीं ढूंढ लूंगी तुम लोग जाओ ऐसे करके। मतलब हम लोग दो ही थे, हम यहाँ पे और भी लोग थे, लेकिन मुझे तो वो भी हेल्प कर सकते, लेकिन कुछ लोग होते ही हैं जिनको मतलब हेल्प पसंद नहीं आती और फिर उनकी हेल्प करो तो क्या ही करे, मतलब मुझे मैं पता क्या देख रही हूँ, मैं इधर उधर देख रही हूँ कि 200 रुपए का फाइन ना हो जाए इनका हुआ है ना ये मास्क के लिए मेरा मन तो कर रहा है कि मैं पूरे रास्ते मास्क ना लगाऊं, क्योंकि देखो 200 रुपए का फाइन तो हो गया, कार्ड में मेरे पैसे है नहीं, कैश है नहीं, तो बात खत्म एटीएम में भी पैसे नहीं है मेरे, तो हमें जहाँ ले जाना चाहते हो ले जाओ, मास्क नहीं पहने पूरे मेट्रो में कोई मास्क नहीं, हम सारे रूल्स तोड़ेंगे। और वैसे तो मैं अभी हाल फिलहाल में कोविड पॉजिटिव हुई थी, तो मैं यही कहूँगी मैं सब में लगाऊंगी, अगर जिसने भी फाइन किया उसका हाथ पकड़ लूंगी चलो ठीक है उसको मैं इसलिए आपके सामने रख रही हूँ, पेश कर रही हूँ, क्योंकि कोविड के बारे में अभी मैंने जिक्र किया कि मैं हाथ पकड़ लूंगी, वो भी कोविड पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक लड़की से इतना प्यार करती थी कि उसके बॉयफ्रेंड को HIV था, तो उसने वो ड्रिप नेटर अपने लगा, कहीं देखा है ऐसा प्यार, कहीं देखा है कुर्बानी इसे कहते हैं प्यार, रियल दोनों साथ ही मरे प्योर इसे प्योर हम भी ऐसे कर सकते हैं ना। हाँ हाँ बिल्कुल, छुओ मेरा हाथ, छुओ मेरा हाथ पकड़ लो। तो फ्रेंड्स देखिए हमारी बातें, हम इतने बड़े बातूनी हैं दोनों, जब मिल जाते हैं तो इतनी बातें करते हैं कि मतलब हमें होश ही नहीं होता कि हम कहाँ चल रहे हैं। अभी हम नीचे वायलेट लाइन से ऊपर आए येलो लाइन लेने के लिए, और ये येलो लाइन यहाँ पर है, लेकिन हम लोग रेड लाइन की तरफ जा रहे हैं, फिर हमें वहाँ पर लास्ट में पहुँच के याद आया कि हमें येलो लाइन लेनी थी, ऐसे करते हैं हम लोग, इतनी हम बातूनी हैं। लेकिन अब मैं ना ट्रैक देख रही हूँ, कभी बातें करते करते ब्लॉग बनाते फिर से हम पहुँच जाए, एक स्ट्रेट रोड होनी चाहिए, कोई कट नहीं कुछ नहीं, बस कोई मंजिल नहीं होनी चाहिए, मंजिल नहीं होनी चाहिए। प्रोनंसिएशन खराब हो गया मेरे बाबू का, मैं सिखाऊंगी, पता है इन शॉर्ट्स वालों ने कर दिया, कोई बात नहीं मैं सिखा दूंगी। अब ऐसे ऐसे करते नहीं है हम, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लेते ऐसे नहीं, इन शॉर्ट्स बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, इतनी अच्छा है इसे लोगों की, और मेरा इंडियन भी बहुत अच्छा है। हाँ जी हाँ जी चलिए, मेरे बाबू लड़ रहा था, 70 रुपए बोले थे और 50 रुपए में हमने बुक कर दिया है, ठीक है तुमने कर लिया वो भी नहीं भैया ने कर लिया है। इसीलिए तो चाचा मैं कह रही हूँ 50 से 40 भी कर दीजिए, 40 रुपए को 70 रुपए को कैसे हो गई, हमारे कम करने हैं वो, हम तो और कम कर रहे हैं। अब बाबू खराब कर दिया है थोड़ा सा डर का, मोदी जी से हम यही कहेंगे प्लीज हमें बख्श दो। लेकिन हमारा प्लान सडनली चेंज हो गया और हम कहाँ पे आ गए, दीव, क्योंकि आप समझ सकते हैं जब हम रास्ता भटक रहे थे तो लोकेशन के बारे में तो हम तो बस अब हम सोच रहे हैं कि हम जामिया फिर किसी दिन जाएंगे,
के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे हमारे, जिस समय का जिस काम से मैं जाना था वहाँ पर। लेकिन वेदर नहीं, पहले आप बोलो। हाँ बोलो। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वेदर ऐसा ही रहना चाहिए, कभी कभी धूप निकल रही है ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, उससे ना थोड़ी सी सफोकेशन सी होने लगती है, बहुत गर्मी भी लगती है। अब देखते हैं कि अब हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी कोई सिलेक्ट लोकेशन नहीं है, हम कहाँ जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि रूम वाले भी हमें बाहर निकाल देंगे, जैसे लोग हमें नहीं चाहिए, कोविड फैलाते हैं। आज तो पूरा व्लॉग मुझे लगता है कोविड के नाम ही हो जाएगा। और ये रहा दिल्ली का ट्रैफिक, जो कि एज यूजुअल इतना ही होता है, कहीं भी चले जाओ। मेरे बाबू ने लाइनर बहुत अच्छा लगाया है, उम्मीद करती हूँ मैं भी अपने बाबू से इसी तरह लाइनर लगाना सीखूंगी, क्योंकि मैं इतना मोटा मोटा लाइनर लगा लूंगी कि यहाँ से छोटी छोटी हो जाएगी। अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक यानी कि नेशनल मेमोरियल, और मेरे बाबू यहाँ पे पहले भी आ चुका है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चले अंदर, चले चले तो एंट्री करते हैं ना। हाँ सर, कोई कंपलसेशन नहीं है, हमें लगाना है तो लगाए, नहीं लगाना है। ओके भैया, ठीक है भैया, ठीक है। तुम दिल्ली बोलते ना तो ये यहाँ पैसे लेते, बाहर के लोगों के लिए मुफ्त सुविधा है यहाँ। कैसा क्या है ये, क्या सब क्या क्या करते हैं लोग, मतलब ये मतलब मुर्गा कॉन्स्टिट्यूशनल बुक की तरह। और अभी लास्ट अभी रिसेंटली यहाँ पे वो हुआ था अंबेडकर के ऊपर, मतलब पूरी एक उनकी लाइफस्टाइल मतलब पूरा दिखाया गया था शुरू से लेकर एंड तक, केजरीवाल ने यहाँ पर वो फैसिलिटी की थी। देखिए मुझे तो ये सारी चीज़ें, मेरा मन था यहाँ पे आने का लेकिन मैं आ नहीं पाई थी, अकेले बाबू मन नहीं करता ना मेरा आने का, लेकिन अच्छा था ये काफ़ी। सुंदर लग रहा है, लाओ मैं अपने बाबू की ब्लॉग बनाऊं। इतना अच्छा लगता है ना, हमें ना मिलियन हो गया, हमें ऐसे नई खुशी मिलती है, हमें लगता है कि हमें टूर एंड ट्रेवल्स का नाम करना चाहिए ना, इधर उधर टन मारते, लेकिन हम गलत प्रोफेशनल में घुस गए शायद। और बताओ बाबू। ओ बाबू, मैंने प्रोफेशनल बोला प्रोफेशन को। जुबान भी लपक रही है। कोई बात नहीं, जब मास्क तो ये तुम्हारी जुबान है। हाँ वैसे अंदर अलाउड नहीं वीडियोस बनाना, तो हम यहीं पे कुछ शॉर्ट्स ले लेते हैं। देखो आंखें नहीं खुल रही है, कभी कभी वेदर अच्छा हो रहा है तो सुकून मिल रहा है, और बीच बीच में धूप अपना एक झलक दिख रहा रही है। और देखो ये काफी अच्छा आसमान भी, कितना अच्छा बादल है, मजा आ रहा है, लेकिन ये धूप पावर ना इस माहौल को खराब कर रही है। हाँ सुंदर लग रहा है। अब मेरा बाबू कहेगा कि मैं पैदा ही सुंदर हुई हूँ। वाह कितनी सुंदर लग रही है। बस आज हम लोग चले, आज मॉर्निंग का दिन है और कल भी है, तो हमने ये टाइमिंग सेलेक्ट किया, हम लोग चलते हैं अंदर जहाँ की जहाँ पर वीडियोस अलाउड नहीं है, तो हम वहाँ पे कुछ शूट नहीं करेंगे कुछ भी, तो हम आपसे बाहर आके दोबारा मिलेंगे। लेकिन हाँ इतना जरूर बता दूं कि वहाँ अम्बेडकर जी का स्टैचू है, और बाकायदा वो एक्शन करता हुआ आपको दिखता है, कुछ कुछ बोलता हुआ दिखता है, तो वाकई में बेहद खूबसूरत लगता है। मेरा ये वाला पार्ट काट देना, कोई नहीं, बट सॉरी हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन कोई नहीं, हो सकता है कि आपने भी देखा हो दिल्ली में, अगर दिल्ली से आप हो तो आपने भी देखा हो ये सब, बट मेरा अभी फर्स्ट टाइम है और मोनिका यहाँ पे पहली बार आ चुकी है, तो मैं अभी फर्स्ट टाइम जाए, देखते हैं कि कैसा लगता है। दो बार आ चुकी हूँ मैं, फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, लेकिन एक बार तो मैं इंटरव्यू यहीं बैठ के इंटरव्यू दे रही थी, क्या हो रहा है।
अच्छा है ना, अच्छी अच्छी हवा चल रही है। हाँ, तो यहीं बैठ के मैंने इंटरव्यू दिया था अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, हालांकि मेरा वो इंटरव्यू क्रैक नहीं हुआ था, थोड़ा दिल को दुखा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जगह मेरे लिए लकी नहीं है, ये बेहद खास है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से हरियाली है, वेदर और यहाँ की बनावट सब कुछ परफेक्ट है। चलिए हम मिलते हैं फिर आपसे अंदर आने के, अंदर से आने के बाद। यहाँ पर पूरा म्यूजियम घूमने के बाद जो हमें गाइडेंस मिली उस सब के बाद हमने यहाँ पर अपना फीडबैक दिया, और फीडबैक मैंने कुछ इस तरह से इतना सारा लिखा यहाँ पर, और उसके बाद मोनिका ने अपना फीडबैक दिया म्यूजियम के बारे में। सो फ्रेंड्स, हमने पूरा घूमा, और हमने जब बाहर बताया था आपको कि यहाँ पर नहीं घुमाया, नहीं हमने बताया था ना कि वहाँ पर अलाउड नहीं है वीडियोज वगैरह फोटोज, क्योंकि बाहर गार्ड ने मना किया था। तो लेकिन हम अंदर आए थे, यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे लोग फोटोज़ भी ले रहे थे, कुछ वीडियोस, तो मैंने कुछ कुछ शॉर्ट्स आपको भी दिखा दिए हैं। आई होप कि आपको अच्छे लगे हो, कैसे लगे कमेंट करके बता देना। और मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको भी यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी जगह है और हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। जो हमारे संविधान लिखने वाले थे B.R. अम्बेडकर साहब, तो उनके बारे में आपको बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ मिलेंगी कि उन्होंने कितना ज़्यादा योगदान दिया है। संविधान की किताब पूरी उन्होंने लिखी, जिस पर हमारा पूरा देश का कानून जो शासन मतलब सिस्टम है पूरा उस पर चलता है। हालांकि वो चीज़ अलग है कि अभी कितनी सारी चीज़ कमियाँ हैं वो उसके बारे में बात नहीं करें, लेकिन फिर भी बस आपको यहाँ पर आकर सब चीज़ें देखनी चाहिए और पढ़ना चाहिए उनके बारे में। और वाकई में बहुत अमेजिंग था, आपको आना चाहिए। जब मैं हैदराबाद रहने गई थी तो बहुत सारे लोगों ने ऐसा पूछा था, हैदराबाद के जितने भी बाशिंदे वगैरह थे, कि आपकी दिल्ली में ऐसा देखने लायक क्या है। तो मैं वही बोलती थी, लाल किला है, चांदनी चौक है, ये सारी चीजें हैं। तो मैं उनको जरूर, अब कभी भी किसी भी और स्टेट में जाऊंगी तो दिल्ली के लिए जरूर बोलूंगी कि यहाँ जरूर आए। वाकई में बहुत देखने की चीज है और हर नागरिक को इसके बारे में पता होना चाहिए। हाँ, और ऐसा भी है कि मोस्टली क्या, हमें काफी सारी चीजों के बारे में पता ही नहीं है कि यहाँ पे इतनी सारी चीजें भी है, और जैसे कि और भी हिस्टोरिकल जो प्लेसेस हैं वहाँ पर भी हमें जाना चाहिए, क्योंकि वो भी अपना एक अलग ही इतिहास लेकर, अपनी जो इमारत है उनमें एक अलग ही इतिहास है, तो वो भी हमें वहाँ पे भी जाना चाहिए, और यहाँ पर भी सभी को आना चाहिए। बिल्कुल, ऐसी जगह पे आकर ऐसा लगता है जैसे कि अभी भी हम अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं और आगे भी इसी तरह से हम नहीं एक देश का नागरिक होने के नाते, और एक अच्छा मतलब एक जो नागरिक होना चाहिए, तो मतलब यूजलेस वाली जिंदगी या फिर नॉर्मल लाइफ तो हर कोई जीता है, लेकिन फिर भी हमें बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए जो कि हमें ज़रूरी भी होती है, हमारी ज़िंदगी को एक नया नज़रिया, एक नई राह दिखाती है ये सारी चीज़ें। तो हमें हर चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, चाहे वो रिलीजन कोई भी हो, बट हमें नॉलेज प्रॉपर सभी की होनी चाहिए। तो बस हालांकि उतनी नॉलेज नहीं हो पाती है, क्योंकि अब इतना ज़्यादा मतलब हम समझ नहीं पाते हो जिस तरह का आजकल जो माहौल होता है, तो उसमें नहीं, लेकिन फिर भी हमें यह होता है कि हमें अपने मतलब माहौल एक तरफ होता है, लेकिन हमें हर चीज़ का नॉलेज, हर चीज़ की ज्ञान, अपनी हर धर्म के बारे में पता होना चाहिए। बेसिक चीज़ें तो ज़रूर पता होनी चाहिए कि किसने क्या किया, किसका क्या रोल रहा, कैसे। देखिए, कल को आप इंटरनेशनल टूर पे जाएंगे, मुफ्शी जी ले जाएंगी, तो कोई आपसे पूछेगा, इंशाल्लाह कोई आपसे पूछेगा कि आपके देश में ऐसा क्या है, क्या खास बात है, क्या इतने सेकुलर आपका देश है तो उसमें क्या खास बात है, क्या आपके बीच में कंफ्लिक्ट नहीं होता है, क्या जोड़े रखा है आपके देश में, क्या चीज़ें हैं जिन चीज़ों ने आपके देश को जोड़ के रख रखा है, अभी भी यूनाइट है। तो यही सारी चीज़ें हैं, जब कभी हम बाहर जाएंगे तो हम प्राउडली बोलेंगे वी आर इंडियन। तो बस आज हम इस ब्लॉग को ही प्रेजेंट कर रहे हैं, और आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मतलब बस, बाय बाय बाय।